Now, the next question is, in object-oriented programming, dash can be declared in a class template. Global data members, constant data members, static data members and statistical data members. तो क्या आएगा? Static data members. Template क्या होता है कि वहाँ हम data type define नहीं करते हैं, simply एक variable assign कर देते हैं ताकि हम run time पे, मतलब बाद में जब हम श्योर हो जाएं कि हमें क्या डेटा टाइप देना है तब जाके हम डेटा टाइप उसको दे सके, लाइक इंटीजर देना है, कैरेक्टर, फ्लोट, दैट इज ओके. नाउ द नेक्स्ट इज, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेम फंक्शन और ऑब्जेक्ट बिहेव्स डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन. इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. अभी बताया था मैंने, कोई भी फंक्शन या ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करता है, मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स. एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शन बट वी रिप्रेजेंट इट इन डिफरेंट फॉर्म्स. Which of the following class constructor will be invoked first in object-oriented programming? Base class, virtual class, virtual base class, abstract class and derived class. So, क्या होगा? सबसे पहले base class का constructor हमारा invoke होता है. Okay? Now, the next question is, in object-oriented programming, public members of a base class become protected member of the derived class. This situation is... happens in protected inheritance. क्या होता है कि जब भी हम inheritance कर रहे होते हैं तब हमें वहाँ पे उसको बताना होता है कि हम ये inheritance publicly कर रहे हैं, मतलब हम उसके data members publicly inherit कर रहे हैं, protectively या फिर private से कर रहे हैं हम. तो ये चीज़ हमें बतानी होती है at the time of inheritance, जब हम वहाँ पे scope resolution operator को use करके हम ये चीज़ बताते हैं. Now the next question is, अब हमारा next क्या है? Linux का question है. In Unix or Linux platform, which UI editor command copies the current line of the file? That is YY. That is YY. Okay, the next is, in Unix Linux platform, which command is used to delete a line in VI editor? That is delete बोल रहा है, तो easily हम learn कर सकते हैं DD command. Okay. Now the next question is, in Linux or Unix platform, which set is correct to move cursor within VI editor? So the in 19 question, option B is correct. In Linux, which command is used to see path of the working directory? PWD. PWD का मतलब क्या होता है? Present working directory. Okay. First n number of lines. कैसे कहूँगी? Head. हेड क्या बताता है? स्टार्टिंग की लाइंस. एंड मींस द नंबर ऑफ लाइंस जो आपको बतानी है. एंड फाइल नेम इज जिस फाइल से आपको चाहिए. विच कमांड इज यूज टू सर्च. सर्च करने के लिए हमारे पास लिनक्स में दो कमांड होती है, सेड एंड ग्रैब. दो कमांड के थ्रू हम पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च कर सकते हैं. ओके. नाउ इन लिनक्स प्लेटफॉर्म हिडन फाइल कैन बी व्यूड यूजिंग ls का होता है लिस्टिंग, लिस्ट करने के लिए फाइल को. जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी वो सारी लिस्ट दिखा देगा. एंड माइनस ए, मतलब सॉरी डैश ए हमें क्या दिखाता है? हिडन फाइल्स शो करता है. यहाँ पे क्या होगा? लिनक्स प्लेटफॉर्म ग्रैब कमांड क्या होता है? हेलो को, हेलो जो हमें दी हुई है पैटर्न, उस पैटर्न को उस फाइल में सर्च करेगा, पूरी फाइल में वो सर्च करेगा. बट यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है? माइनस वी भी दिया है. तो अब इसका मतलब क्या होता है? ग्रैब कमांड क्या करता है? पर्टिकुलर पैटर्न को पर्टिकुलर फाइल में सर्च करता है, पर उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स. यहाँ पे हमें वी क्या बताता है? ये बोल रहा है वो सारी लाइंस को डिस्प्ले करो जो कि हेलो पैटर्न को कंटेन नहीं करती हैं. तो क्या करेंगे हम? शो द लाइंस विच डू नॉट मैच विद द पैटर्न. दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. In 23 question, option A is correct. In 22, option D is correct. In 21, option A is correct. Okay, now the next question is shell script का question है. Shell script में क्या होता है? जैसे हम C programming है तो वहाँ पे हम अपना program लिखते हैं. Similarly, shell script पे switch करके हम अपना program लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? वाइल लूप चलेगा काउंटर 1 से लेके 10 तक. इको काउंटर, इको इज माई प्रिंट करने के लिए यूज होता है. एंड देन हमने काउंटर प्लस प्लस किया है. यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? डू वाइल लूप को यूज किया है.
हमारे पास डू वाइल लूप होता है, यहाँ क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है एंड देन हमारा जो भी है वो रन होगा। तो यहाँ क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लिस्ट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टैक, स्टैक क्या है, देखो हमारे पास लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अलग अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को अरेंज कर कैसे हमारा डेटा मेमोरी में अरेंज होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। इज अ डैश इन डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, बेसिक डेटा टाइप इन डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। क्या है स्टैक, क्या है बेसिक डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, ड्राइव डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, या फ्लोट डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, या कैरेक्टर डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर है। बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, ये सब क्या हो गए, बेसिक हो गए। नाउ स्टैक क्या है, ड्राइव डेटा स्ट्रक्चर है, वो क्या है, ड्राइव डेटा स्ट्रक्चर। नाउ 27 इज इन डेटा स्ट्रक्चर द स्टैक इज अ लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव इन अ डैश मैनर, इन फीफो मैनर, मतलब फर्स्ट इन, सॉरी इन लीफो मैनर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो पर कौन वर्क करता है, क्यू वर्क करता है। फीफो पर कौन वर्क करता है, क्यू वर्क करता है। जो हमारा स्टैक होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, ऐसे एलिमेंट को हम इसमें अंदर डालते जाते हैं, जो लास्ट में एलिमेंट एंटर होगा वो सबसे पहले आउट होगा, दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, इट वर्क ऑन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड क्यू होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे क्यों होता है जो लास्ट, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक, यहाँ पे, हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं और ये इधर से आउट हो जा रहा है, तो ये किस पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको स्टैक का समझ आ गया होगा किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, और क्यू का समझ आ गया होगा किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। नाउ इन बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में क्या होता है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डैश कंसीडरिंग एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं बता देती हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। वर्स्ट केस मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको इतना टाइम लगेगा। हम मान लो हमें एक लिस्ट सॉर्ट करनी है, उसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हो और हमें उसे इंक्रीजिंग में करना हो, तो ये वर्स्ट केस हो गया, जैसे 5, 4, 3, 2, 1। अब हर एक एलिमेंट की पोजीशन हमें चेंज करनी होगी, दैट इज वर्स्ट केस। वर्स्ट ऑन एन स्क्वायर कैसे होता है, एक बार हम एलिमेंट्स को देखते हैं और हर एक लूप में हम पांचों एलिमेंट्स में देखकर एक एलिमेंट को, किसी को भी, उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं। देन इन सेकेंड आइटरेशन हम सेकेंड एलिमेंट को उन पांचों में से कि उसकी करेक्ट पोजीशन पे पुट करेंगे, तो एक जो हमारी आइटरेशन चल रही है और सेकंड एन क्या होगा, हर बार हम पांचों एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं कि उस एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन क्या है, तो ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे कम तो लगी गई पर इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। नाउ इन डेटा स्ट्रक्चर अ बाइनरी ट्री विद एन नोड्स हैज़ डैश एजेस। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कितनी एजेस हैं, ऐसे देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एन नोड्स हमें ऑलरेडी गिवन है, एन नोड्स गिवन है, तो हम एक बार बाइनरी ट्री बना के देख लेते हैं। फॉर सपोज ये बाइनरी ट्री है, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम उनको एक बार चेक करेंगे, एन माइनस वन है, एन प्लस वन है, एंड ऐसे दिया हुआ है, तो एन यहाँ पे कितने नोड्स हैं, 1, 2 and 3 नोड्स, और एज कितनी है, 2 है हमारे पास, तो हम देखते हैं क्या है, 3 - 1 दैट इज 2, करेक्ट, ये करेक्ट है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 आएंगे, है ना, यहाँ पे नोड्स कितने हैं हमारे, 3 नोड्स हैं। एक बार इन सारे ऑप्शन में पुट करके देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 3 एजेस आएंगी जबकि 3 एजेस नहीं है, 2 एजेस है, बी ऑप्शन में 4 एजेस आएंगी जबकि हमारे पास 2 एजेस है, नाउ सी ऑप्शन में 2 एजेस आ रही है जो कि करेक्ट है, इट मीन सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टिल हम डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 - 2 दैट इज 1, सिर्फ एक ही एज होगी जो कि इनकरेक्ट है। नाउ मर्ज सॉर्ट फॉलोज डैश इन डेटा स्ट्रक्चर, क्या फॉलो करता है ये, डिवाइड एंड कंक्वायर स्ट्रैटेजी, मीन्स पहले पूरे लिस्ट को डिवाइड करते जाते हैं अंटिल हम हर एक एलिमेंट सिंगली हमें मिल नहीं जाता, सिंगल एलिमेंट हमें नहीं मिल जाता, देन उसको सॉर्ट करते हैं हम, सॉर्ट करने के बाद अगेन उसको मर्ज करते जाते हैं।
तो ये किस पे वर्क कर रहा है, पहले डिवाइड कर रहा है, देन उसे सॉर्ट कर रहा है, और देन अगेन मर्ज कर रहा है. तो डिवाइड एंड कंक्वायर स्ट्रैटेजी को ये फॉलो करता है. इन डेटा स्ट्रक्चर मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ टाइपिकल ग्राफ विद एन वर्टिसेस इज डैश. क्या बोल रहा है कि हमारी मैक्सिमम डिग्री किसी भी वर्टेक्स की क्या हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री हमारी किसी भी वर्टेक्स की क्या होगी. लेट सी, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं, ठीक है. जैसे मान लो ये एक नोड है और हमने ये ग्राफ ले लिया है. कैन वी प्रिडिक्ट कि कितना डिग्री हो सकता है इसका? वी कांट प्रिडिक्ट ना, कितना भी हो सकता है. इसने क्या बोला है, n वर्टिसेस बोला है, तो n डिग्री हो सकता है. कितना डिग्री हो सकता है? n डिग्री हो सकता है. सॉरी, n डिग्री कैसे होगा, हमारे पास तो ये n वर्टिसेस है ना, तो ये सेंटर वाला वर्टिक्स भी तो है ना, इससे कम ही एक कम होगा. सेंटर वाला वर्टिक्स खत्म मतलब हटा के जो रेस्ट है उतना होगा. मीन्स अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 नोड्स हैं, तो वर्टिस हमारे पास 9 होंगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो वर्टिसेस कितनी है हमारे पास? 9 वर्टिसेस हैं. तो हमेशा वर्टिसेस कितनी होंगी, सॉरी डिग्री कितनी होगी? n माइनस 1. अगर हमारे पास n वर्टिसेस हैं तो हमेशा हमारे पास n माइनस 1 डिग्री होगी मैक्सिमम. मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होगी. n माइनस 1 ही मैक्सिमम होगी. इन डेटा स्ट्रक्चर अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज अ पेयर ऑफ सेट्स v कॉमा e. तो v यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, एंड e इज द नंबर ऑफ एजेस और द सेट ऑफ वर्टिसेस और द सेट ऑफ एजेस. v इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स, नो, v इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड e इज द सेट ऑफ एजेस. सो ऑप्शन b इज करेक्ट, ऑप्शन b इज करेक्ट. Now in binary search tree data structure, in order traversal means the nodes are being searched in dash order. In order traversal, हमारे पास binary search tree में 3 types के traversal होते हैं. कितने type के traversal होते हैं? 3 types के traversal होते हैं. That is in order, pre-order and post-order. Okay, in order में क्या होता है, रूट हमारा मिडिल में होता है, लेफ्ट राइट. राइट पूरा लिख देती हूँ ताकि आर आर में कंफ्यूजन ना हो. लेफ्ट रूट राइट. नाउ प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट पहले आता है, लेफ्ट एंड राइट. नाउ पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, रूट लास्ट में आता है, एंड लेफ्ट एंड राइट एंड लास्ट इज रूट. तो ये 3 ट्रिवर्सल होते हैं. लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट चाइल्ड, रूट देन राइट चाइल्ड, रूट लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड एंड देन रूट. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, हमसे इन ऑर्डर पूछा है, मींस मिडिल में रूट नोड होगा. तो ए एंड सी तो पहले ही कैंसिल हो गए. बी ऑप्शन में देखो रूट नोड है हमारे सेंटर में. देन फर्स्ट में होता है लेफ्ट नोड, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट. लेफ्ट चाइल्ड नोड, रूट नोड एंड राइट चाइल्ड नोड. ओके, Now 34 is Q data structure can be utilized for dash implementation, depth first search. हमारे पास 2 type के search होते हैं, that is DFS and BFS. BFS के लिए हम stack को use करते हैं और DFS traversal के लिए हम Q को use करते हैं. So the correct option is Q. Now the next is the hardware device used for direct memory access is known as DMA controller. Option B is correct. DMA controller. Now hit ratio means ये हमारा operating system में होता है, formula होता है simply hit ratio means that is number of hit upon total, like number of hit and number of miss. नेक्स्ट 37 क्वेश्चन इज अ सस्पेंशन ऑफ अ प्रोसेस कॉज्ड बाय एन इवेंट एक्सटर्नल टू दैट प्रोसेस एंड परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट द प्रोसेस कैन बी रिज्यूम्ड. अ सस्पेंशन ऑफ अ प्रोसेस कॉज्ड बाय एन इवेंट एक्सटर्नल टू दैट प्रोसेस
and performed in such a way that the process can be resumed is known as interrupt. Is known as interrupt. Interrupt में क्या होता है, कोई भी एक external process आता है और एक process already हमारा run हो रहा है. ये operating system के questions आ गए हैं. एक process already run हो रहा है, एक program चल रहा है, एक external process आता है जिसकी priority ज़्यादा है, तो operating system क्या करता है, जो already चल रहा है process उसको halt पे डालेगा, उससे बोलेगा रुको अभी तुम्हें resume करेंगे, पहले high priority वाले process को आने दो, मैं जो उसे run करने दो, उसके बाद तुम्हें resume करेंगे. That is called interrupt. Now operating system supports FCFS scheduling which is always preemptive, which is always non-preemptive. Preemptive और non-preemptive क्या होता है? Preemptive का मतलब होता है कि कोई भी अगर high priority process आ रहा है तो operating system preempt कर जाएगा, currently working process को छोड़ के next process पे switch कर जाएगा. Non-preemptive में क्या होता है, कोई भी VIP आए, कोई भी आए, किसी का priority ज़्यादा है, कोई सा भी process आए, वो प्रियम्प्ट नहीं करेगा, वो अपने प्रोसेस को रन करता रहेगा, जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रन करता रहेगा. फॉर एग्जांपल मान लो गैंट चार्ट एक बार बनाते हैं, एक बार देखते हैं, बताती हूँ बना के इसको, सॉरी अच्छे से ड्रॉ कर, व्हाई इट इज़ नॉट ड्रॉइंग, ओके स्मॉल सा बनाया. ये प्रोसेस है मान लो P1 प्रोसेस, ठीक है. अब इसको एक तक रन करना है हमें. अब फोर तक इसने जैसे ही रन किया, एक प्रोसेस आता है, एंटर करता है, बट FCFS शेड्यूलिंग चल रहा है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है. ये जब तक एट पूरा काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाएगा, और उसके बाद ये दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर जाता है. ओके तो FCFS इज ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव. राउंड रॉबिन इज अ टाइप ऑफ डैश इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. राउंड रॉबिन क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग है, कि प्रोसेसेस को कैसे शेड्यूल किया जा रहा है. राउंड रॉबिन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम हर एक प्रोसेस को हमारा CPU देते हैं, जिससे कि स्टार्वेशन ना हो, मतलब कि एक ही प्रोसेस के पास पूरे टाइम CPU ना रहे और लोग मतलब CPU मिले ही ना उन लोगों को, तो वो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसीलिए हम राउंड रॉबिन एक एल्गोरिथम होती है प्रोसेस शेड्यूलिंग की. FCFS भी प्रोसेस शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम है. एक SJF होती है, दैट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग, जो कि आइडल होती है, मीन्स वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट इट इज़ एन आइडल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑपरेटिंग सिस्टम Dispatcher module helps in dash between the process switching. Processes के बीच में स्विच करने में dispatcher help करता है, मतलब इससे CPU ले इस process से CPU लेके इस process को assign कर देना, इसमें हमारा operating dispatcher help करता है. Balladies anomaly happens in dash page replacement page replacement policy, that is FIFO. FIFO इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इसी प्रिंसिपल पे हमारा एक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है जो कि वर्क करता है. सो बैलेडीज एनामली क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा पेज फॉल्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ फॉल्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं जैसे हम पेज फॉल्ट्स को इंक्रीज करते हैं. बट बैलेडीज ने एक ऐसी सीरीज हमें दी थी जिसमें ये आइडल सिचुएशन जो थी ये रिवर्स हो गई, मतलब हमने इंक्रीज कर रहे हैं बट फॉल्ट्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे, तो दैट इज बैलेडीज एनामली एक वो हो गया कि एक थ्योरी दी थी उन्होंने, नथिंग इम्पॉर्टेंट. इन ऑपरेटिंग सिस्टम अ थ्रेड इज कंसिडर्ड एज लाइट वेट प्रोसेस. थ्रेड क्या होता है, मतलब प्रोग्राम्स को प्रोसेसेस को थ्रेड्स बना के हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे कुछ सेक्शन ऑफ कोर्स हमारे शेयरिंग में रहते हैं और हैवी नहीं होता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस रन करें, उससे बेटर होता है थ्रेड्स बना के रन कर लें. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन. नाउ पेजिंग इज आर डैश मैनेजमेंट फंक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम. डैश मैनेजमेंट फंक्शन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय
बेस्ट फिट एल्गोरिथम इन मेमोरी मैनेजमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फिर रीड करते हैं सारे. एलोकेट द प्रोग्राम टू अ स्पेसिफिक मेमोरी पार्टीशन विच इज द स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन टू बी एबल टू एलोकेट द होल प्रोग्राम. एलोकेट द प्रोग्राम टू अ स्पेसिफिक डिस्क पार्टीशन विच इज द स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन टू बी एबल टू एलोकेट द होल प्रोग्राम. एलोकेट द प्रोसेस टू अ स्पेसिफिक मेमोरी पार्टीशन विच इज द स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन टू बी एबल टू एलोकेट द होल. टू एलोकेट द होल तो डिस्क पार्टीशन होता है. देखो बेस्ट फिट होता है, वर्स्ट फिट होता है, और एक और होता है एवरेज फिट होता है. आई थिंक इन तीन होते हैं. तो ये बेस्ट फिट जो होता है, डिस्क पार्टीशन जो भी अवेलेबल होगा हम उसको असाइन कर देंगे. बैंकर्स एल्गोरिथम सबको पता है डेडलॉक रिकवरी के लिए यूज होता है. दो होते हैं डेडलॉक में भी, डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी. तो डेडलॉक रिकवरी के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज करते हैं. इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टेट इज कंसिडर्ड एज डैश ओनली इफ द सिस्टम इज केपेबल ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस फॉलोइंग रिसोर्स एलोकेशन मैथड्स अवॉइडिंग डेडलॉक सिचुएशन. इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टेट इज कंसिडर्ड एज अनसेफ स्टेट या सेफ स्टेट ओनली इफ द सिस्टम इज केपेबल ऑफ सेफ स्टेट. सेफ स्टेट हम बोलेंगे जब हमारा सिस्टम केपेबल होगा अदर प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करने. डेडलॉक क्या होता है कि एक प्रोसेस जिस रिसोर्स के लिए अप्रोच कर रहा है वो ऑलरेडी किसी प्रोसेस के साथ इंगेज है. तो क्या होगा कि वो उसका वेट करता रहेगा और वो ऑलरेडी किसी के साथ है. तो यहाँ क्या होगा, ना वो प्रोसेस कंप्लीट होगा ना वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि वो प्रोसेस ऑलरेडी किसी और रिसोर्स को अप्रोच कर रहा है जो कि किसी और के साथ इंगेज है. तो ऐसे एक साइकिल बन जाएगी और डेडलॉक आ जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा, वो अनसेफ स्टेट होती है क्योंकि कोई भी किसी को रिसोर्स नहीं दे पा रहा. यहाँ पे अगर सारे प्रोसेसेस रिसोर्स देने में केपेबल हैं देन इट इज़ कॉल्ड सेफ स्टेट. स्कैन सी स्कैन लुक सी लुक आर टाइप्स ऑफ CPU scheduling.